आम आदमी पार्टी के कांगड़ा जिले के संयोजक देशराज के साथ अन्य पदाधिकारियों ने नगरोटा बगवा उपमंडल अधिकारी शशिपाल नेगी को पेट्रोल व डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि पेट्रोल व डीजल के साथ बस किराया और बिजली की दरों में वृद्धि आम आदमी की कमर तोड़ रही है। कोरोना की मार झेल रहा आम आदमी पहले ही त्रस्त है, ऊपर से पेट्रोल व डीजल की कीमत बढ़ने से स्वाभाविक रूप से सभी वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, जिसका सारा बोझ आम जनता को पड़ने वाला है। उन्होंने राज्यपाल से निवेदन किया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतें कम होने के बावजूद भी सरकार का कीमतें बढ़ाना अति निंदनीय है, साथ में इसे GST के दायरे से बाहर रखा गया है। आज आपने ज्ञापन दिया है, किस उपलक्ष्य में है, क्या आप समझेंगे? आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को कीमतों में बस किराए में वृद्धि और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि और बिजली की दरों में वृद्धि के विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। SDM के माध्यम से, SDM नगरोटा बगवा के माध्यम से, और मेरे साथ हमारे यहाँ जो इस विधानसभा क्षेत्र के संयोजक हैं श्री राजेश ढींगरा जी, हमारे कांगड़ा जिला के जनशक्ति बीच में हमारे बीच मौजूद हैं विशाल भाटिया जी, हमारे मीडिया प्रभारी डॉक्टर गुरुचरण जी, फिर सभी ने मिलकर और ये कांगड़ा धर्मशाला के विधानसभा क्षेत्र के प्रधान श्री संजीव शर्मा जी, ये सभी मिलकर जो हैं हमने एक ज्ञापन दिया है। क्योंकि कीमतों में चाहे वो डीजल की कीमत हो, चाहे पेट्रोल की कीमत हो, चाहे बस किराया हो, चाहे बिजली की दरों में वृद्धि हो, इन वृद्धि के कारण आम जनता जो प्रभावित हुई है और पहले ही कोरोना की वजह से जनता जो आर्थिक मंदी की मार झेल रही है और इस वृद्धि से और लोगों की कमर जो है इस वृद्धि ने तोड़ दी है, तो हमने आज राज्यपाल महोदय को SDM के माध्यम से ज्ञापन दिया है ताकि इस वेदन ये वृद्धि को वापस लिया जा सके और आम जनता को जो है वो राहत मिल सके। नगरोटा बगवा से पूजन भंडारी की रिपोर्ट।